दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज जिस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं वो निकली है सर्व शिक्षा अभियान में। JBT यानी कि जूनियर बेसिक टीचर्स के लिए भर्तियां निकली है। 418 टोटल वैकेंसी जिसमें निकली है, 24 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डेट है, कैसे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप वाइज पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी वैकेंसीज की जानकारी देख लेते हैं। JBT पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 213 वैकेंसीज है और OBC के लिए 116 है, SC के लिए 89 है। टोटल 418 वैकेंसी जिसमें निकली है। PWD और ESM के लिए भी आप यहां से चेक कर सकते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हो, ग्रेजुएट या इसके बराबर एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन DL/ED में। उसके बाद आप यहां पर क्वालिफिकेशन की पूरी जानकारी स्टेप वाइज जैसे ही रीड कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हो, नहीं तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद एज देख सकते हो आप यहां पर 21 से 37 वर्ष के बीच में है आयु सीमा। आयु की गणना 1/1/2018 से की जाएगी। सैलरी की बात करें तो 39,422 रुपये सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन भी आप यहां पर देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। यहां पर पूरा आपको एग्जाम पैटर्न भी यहां पर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, टोटल मार्क्स भी 150। टाइम देख सकते हो 2 घंटा 30 मिनट का है। जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 15, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 15 क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी 15 क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT के लिए भी 15 क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज और कंपैरिजन्स के लिए 10 क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और कंपैरिजन्स के लिए 10 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कंपैरिजन्स के लिए भी 10 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के लिए 15 है, जनरल साइंस के लिए भी 15 और सोशल साइंस के लिए भी यहाँ पर 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो चंडीगढ़ में जॉब लोकेशन है। एप्लीकेशन फीस 800 रुपये आपको इसमें जमा करनी है। PWD कैटेगरी को फीस जमा नहीं करनी है। डेट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 8/10/2018 है। 1/11/2018 तक इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद फीस जमा करने की डेट भी आप देख सकते हो, लास्ट डेट 29/10/2018 है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कंफर्मेशन लिस्ट होगी जो कैंडिडेट्स की, वो 5/11/2018 को होगी। उसके बाद सबमिशन ऑफ प्रूफ डिपॉजिट फी के लिए यहाँ पर देख सकते हो 8/11/2018 है। रिटर्न टेस्ट का शेड्यूल है वो 5/11/2018 को है, यानी कि 5 नवंबर को। अप्लाई इस पर आप सिंपली कर सकते हो recruit.nitrchd.ac.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। दोस्तों हमारी वेबसाइट के लिंक पर विजिट करने के बाद जैसे आप नीचे की तरफ को यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब मिलेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आपको सैलरी यहाँ पर दी गई है, वैकेंसीज की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हो, एज में छूट और एज की पूरी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हो। उसके बाद यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन भी देख सकते हो जो मैंने आपको बता ही दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी आप यहां से चेक कर सकते हो और जो महत्वपूर्ण बात है वो है प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अप्लाई करने का तरीका सिंपली है, यहां पर देख सकते हो इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करना है। पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको ऑनलाइन करने के भी यहां पर मिल जाएंगे। डेट्स यहां पर आप देख सकते हो और ऑनलाइन करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपको मिल रही है, आपको पूरा रीड करना है। दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इनको पढ़ने से आपके सभी डाउट और सवाल क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर क्लिक करके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन इस रिक्रूटमेंट से मैच नहीं करती, उसके लिए आपको डेली 4 गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर विजिट करके डेली 4 जॉब्स देख सकते हो और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो।